छोटी सी स्टोरी में आपको बताऊंगा। स्टोरी से आज हम आज खुला के कलाम में हम आगे जाएंगे। स्टोरी ऐसा है, एक बहुत बड़ा रईस, धनवान व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति अपने बेडरूम के अंदर वो बिस्तर के ऊपर मध्य रात्रि के समय वो लेटा हुआ था और मध्य रात्रि के समय वो सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन था, कभी करवट इधर बदले, कभी करवट इधर बदले, उसको नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक वो सोने की कोशिश किया पर उसको नींद आई नहीं। आखिर में वो उठ करके नीचे आया और अपना फोर व्हीलर गाड़ी को लिया और ले करके वो ड्राइव पे निकल गया। और वो गाड़ी को चलाते चलाते शहर के बाहर चला गया। जब शहर के बाहर चला गया तो रोड के किनारे उसको एक बड़ा सा चर्च नजर आया और वो व्यक्ति उस सोचा कि क्यों ना मैं चर्च में जाकर कुछ पल प्रार्थना में समय बिताऊं, प्रभु के साथ संगति करूं। तब वो गाड़ी रोका रास्ते पे और चर्च के अंदर रात को 2 बजे वो चर्च के अंदर गया और चर्च में पूरा अंधेरा था। वो दरवाजा खोल करके अंदर गया। जब वो जाकर के घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा तो चर्च के कोने में से एक रोने की आवाज आई। कोई सिसकिया लेकर के रो रहा था। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोला इस रात को 2 बजे रात को कौन रो रहा है और ये इस अंधेरे चर्च में कौन है जो इस कदर से रो रहा है। तो वो कोने में गया वो देखने के लिए, तो एक जवान भाई आंसू की तरह वो रो रहा था सिसकिया लेकर के। तो ये भाई पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है, क्या कारण है और इस 2 बजे रात को, इतनी रात को ऐसे क्या तकलीफ है कि तू इतनी पीड़ाओं के साथ रो रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि सर कल की सुबह मेरी पत्नी का ऑपरेशन है और मुझको 10,000 रुपये चाहिए, मेरे पर पैसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा 10,000 दे तो ऑपरेशन होगा, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा, अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी, कहाँ जाओ इस रात के समय, कौन हाथ बढ़ाएगा, कौन मेरी मदद करेगा, इसलिए मैं खुदा के पास आया हूँ, उसके चरणों में आया हूँ कि कोई मदद करे ना करे वो जरूर करेगा। हालेलुया। कोई हाथ बढ़ाए ना बढ़ाए पर वो जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि मेरी इस नीडफुल टाइम में वो मेरा आसरा, वो मेरा सहायक है, मेरा बल है। ये जब धनवान ने सुना तो वो आनंद से भर गया, कहा कि तू सच्चा व्यक्ति है और तेरा खुदा भी सच्चा है, जो इतनी रात को तू प्रभु के आगे हुजूरी में आकर खुदा से तू प्रार्थना करा। तुरंत उसने अपने जेब में हाथ डाला और कहा ये ले 10,000 और जा अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा। वो व्यक्ति बहुत आनंदित हो गया। फिर उस व्यक्ति ने कहा धनवान ने कि ठहर जा, ये मेरा कार्ड रख और जब भी तुझको कुछ जरूरत पड़े, तुझे किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे फोन करना या फिर इस एड्रेस पे तू आना। तो 10,000 तो ले लिया पर तू कार्ड नहीं लिया। कहा मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा के ऊपर है, जिस खुदा ने आपको सिटी में से इस चर्च में लेकर आया है, वही खुदा मेरी जरूरत के समय भी दूसरे को लेकर आएगा। मैं कार्ड लेकर आप पर भरोसा क्यों रखूं, मेरा भरोसा तो खुदा के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। निर्भुल समय में, चर्चों के समय में, तकलीफों के समय में किसी पे भरोसा नहीं रखना, भरोसा खुदा के ऊपर रखना। हालेलुया। इसलिए नीति वचन उसका 3:6-5 कहता है तुम किसी मानस पे भरोसा न रखना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। और उस व्यक्ति ने उसका कार्ड नहीं लिया, तब
ये रहीश ने बड़ा आनंद से कहा, उसको गले लगाया और कहा, अब मैं समझ गया मुझको नींद क्यों नहीं आ रही थी, मैं बिस्तर पर क्यों नहीं सो पा रहा था, क्योंकि तेरी प्रार्थना मुझको बेचैन कर रही थी। हालेलुया, तेरी जरूरत को मैं था जिस खुदा ने मुझको बेचैन करके मुझे नींद नहीं आने दी और मुझको तेरे पास लेकर के आया और तेरी जरूरतों को पूरी करवाया। आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं ना मेरे प्रियो, स्वर्ग का खुदा वो हमारे लिए लोगों को तैयार करता है। आमेन। हालेलुया। मैं कहा हमारी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। जब खुदा को स्थान देते हैं तब परमेश्वर स्वर्ग से हाथ बढ़ाता और किसी न किसी को हमारे लिए खड़ा करता, हमें भेजता है। आमेन। हालेलुया। 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 इसलिए एक दूसरे को देखकर कहो, यहोवा पे भरोसा रखना। आमेन। इससे पहले कि आज के वचन में जाओ, आइए एक वचन को निकालेंगे और उसके लिए हम एक मिनट प्रार्थना करेंगे। आज की सुबह भोर को जब मैं उठा, मैं अपने कमरे में जब बाइबल खोला, बाइबल पढ़ने लगा, तब ये वर्ड खुदा ने मेरे हाथ में डाला। निकाले पहला कार्मिताल, फर्स्ट कार्मिताल, पहला इतिहास और उसका हम निकालेंगे 17 अध्याय और उसका हम 26 और 27 वचन को निकालें। पहला इतिहास और उसका 17 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन। अब हे यहोवा, वर कहता अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है और अब तू प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे। ओ आशीष तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है। आई रिसीव द नेम ऑफ जीसस। खुदा का कलाम कहता है आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। आइए टॉप स्टार में हम खड़े हो जाएं और आइए सब कोई अपने हाथ ऊपर उठाए, एक हाथ सीने पर लगाए और आओ इस वचन को प्रभु की दास जैसे पढ़ेंगे उसके पीछे पीछे हम इस वचन को बोलेंगे। हालेलुया लॉर्ड। सदा लबर आंख बंद कर एक हाथ सीने पे रखे और एक हाथ सर के ऊपर रख उठा कर विश्वास के साथ डिक्लेयर करके कहे, ये दाऊद के नहीं, कहे लॉर्ड ये मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे घराने के लिए है। लेकिन खुदा का कलाम केवल दाऊद के लिए नहीं, केवल अब्राहम के लिए नहीं, केवल इसहाक के लिए नहीं, केवल याकूब के लिए नहीं, ये वचन हमेशा हर एक के लिए है और आज का कलाम मेरे और आपके जीवन के लिए। हालेलुया लॉर्ड। हां अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। हालेलुया। आइए अपने हाथ उठा कर मेरे साथ बोले, हे यहोवा, तू भलाई करता है और तूने भलाई करने का वचन दिया है। हे यहोवा, तूने मुझे आशीष दी है, इसलिए ये आशीष मेरे जीवन पर, मेरे घराने पर, मेरे
पर, मेरे बच्चों पर सदा के लिए आशीष बनी है। हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए अब मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये आशीष जो तेरी ओर से हमने पाया है कभी नहीं जाएगा। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित रहूंगा हमेशा के लिए। आमीन। जो दत्ताल बजा के प्रभु की महिमा करें। आइए अपने स्थान में बैठ जाएंगे और हम आज के वचन में जाएंगे। कोई मेरे साथ निकाले और उसका हम देख रहे हैं। लास्ट वीक हमने आपको बताया था हिब्रू की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन। हिब्रू की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन को हम पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में सीख रहे हैं। और लास्ट वीक में हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। आइए थोड़ा सा आगे हम इसको देखेंगे। फिर से उसी अध्याय उसी वचन को पढ़ देंगे। हिब्रू की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन। और विश्वास के कर्ता, और कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। एक दूसरे को देख कर बोलो यीशु की ओर ताकते रहो। हमें जरूरतों के समय यीशु की ओर देखो, मुश्किलों के समय यीशु की ओर देखो, कठिनाइयों के समय यीशु की ओर देखो। जब आप उसकी ओर नजर लगाएंगे सहायता उसकी ओर से आपके पास आएगी। हालेलुया। इसलिए कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना। आमीन। उसकी ओर देखते रहो। सफलता चाहिए यीशु की ओर देखो, कामयाबी चाहिए यीशु की ओर देखो। जो भी जीवन की जो नीड है यीशु पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कहता विश्वास के कर्ता, मैंने आपको लास्ट तक बताया था यीशु मसीह हमारे विश्वास का क्रिएट करने वाला है। विश्वास को कहता हमारे जीवन के अंदर वो बनाने वाला, पैदा करने वाला है। मैंने आपको बताया था कैसे में, क्योंकि बाइबल कहता रोमी और उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, 17 वचन में लिखा है, कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। विश्वास कहाँ से आता है? वचन से आता है। आमीन। और वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन ही कहता है परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए हिब्रू की पुस्तक में पौलुस इस बात को लिख के कहता है विश्वास का कर्ता, क्रिएटर ऑफ फेथ, कहता है यीशु मसीह तुम्हारे विश्वास का रचने वाला, तुम्हारे विश्वास का कर्ता है। मेरे लास्ट कहा था जितना ज्यादा यीशु आप में बढ़ेगा उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन। इसलिए यीशु को अपने अंदर बढ़ाते ले जाओ, यीशु को अपने अंदर बढ़ने दो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कुछ ही चीज मेरे भी और खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे। कहता है विश्वास जो है वो हमारे जीवन के लिए कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हम विश्वासियों के लिए। हमें क्योंकि विश्वास से हम उद्धार पाए हैं, विश्वास से हम स्वर्ग में जाएंगे। किसका विश्वास है? मसीह आने वाला है, अब उसको लेके जाने वाला है, वो कहता है वो स्वर्ग में जाने पाएगा। कहता है विश्वास परमेश्वर का स्वभाव, एक दूसरे को देख कर कहे विश्वास परमेश्वर का स्वभाव है। विश्वास परमेश्वर का स्वभाव है। फिर कहता है कि परमेश्वर इस मसीह की सह कहता है विश्वास, ये कहता है कि इस मसीह विश्वास का स्रोत है। विश्वास वहां से आता है, इस मसीह की ओर से आता है। इस मसीह में से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, तो वो सोर्स है हमारे लिए। इस मसीह विश्वास का सोर्स है। फिर चौथा वचन कहता है, चौथा पॉइंट कहता है विश्वास कहता है मसीह में विश्वास का करता है, वो बनाने वाला है, वो पैदा करने वाला है। पांचवा
गलाती के पुस्तक निकाले जल्दी से, गलाती 5 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे, गलाती 5 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे, गलाती 5 उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम आनंद, आनंद शांति, शांति धीरज, धीरज कृपा, कृपा भलाई, भलाई विश्वास। हाँ, क्या कहता है आत्मा का फल क्या है? विश्वास है। एक दूसरे को देख के बोलो आत्मा का फल विश्वास है। और आत्मा कौन है? आत्मा का फल क्या है? विश्वास है। सिद्ध करता विश्वास का कर्ता, तुम्हारे विश्वास का रचने वाला, तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा करने वाला, कहता है आत्मा का फल तुम्हारे अंदर उसकी ओर से डाला गया है जो है विश्वास। आमेन। 9 फलों में से एक फल है विश्वास। आत्मा के 9 फलों में से एक फल है विश्वास। आमेन। हालेलुया। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि विश्व जिसके पास विश्वास है उसने क्या किया? राज्य को जीता है, देशों को जीता है, अपने मरे हुए बच्चों को स्त्रियों ने फिर से जिंदा पाया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा दो समुद्र दो भाग हो गया, यरदन नदी दो भाग हो गया, विश्वास के द्वारा सूरज थाम दिया गया, विश्वास के द्वारा सूखी हड्डियां जब भविष्यवाणी की गई वो जीवित हो गए, विश्वास के द्वारा लाजर बाहर आ गया। विश्वास के द्वारा लोगों ने प्रार्थनाएं किया और वहां पर विराय कर दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन के लिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह के पास चेले लोग आए, पतरस आए, कहा हे परमेश्वर हमारे विश्वास को तो बढ़ा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हे अल्प विश्वासी कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा और कब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। इसलिए यीशु मसीह ने टोला न देता हे अल्प विश्वासी। इसलिए पतरस आके कहता हे परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनकर प्रभु के साथ चले, हर वक्त में फेंक रखे। जैसे कि रात के समय, ये मध्य रात्रि के समय ये व्यक्ति विश्वास के साथ चर्च में आया था। हालेलुया। कोई हाथ बढ़ाए ना बढ़ाए, कोई मेरी सहायता करे ना करे, पर यहोवा सहायता करेगा। आमेन। ये उसका फेक था, ये उसका विश्वास था, और उसका फेक धनाढ्य व्यक्ति को सोने नहीं दिया, परमेश्वर उसके पास लेकर आया। आमेन। हालेलुया। जब नूह को लोग बोलते थे इतना बड़ा जहाज तो बना लिया, अब जहाज को पानी में कैसे ले जाएगा, तब नूह कहता था मेरा विश्वास है परमेश्वर यहोवा जिसने जहाज को बनाने के लिए बोला है वही परमेश्वर समुद्र को मेरे जहाज के पास लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और सिर्फ वैसे ही हुआ, पानी के पास को जहाज को पानी के पास नहीं ले गया परमेश्वर, पानी को जहाज के पास लेकर के आया। आमेन। यदि आपका विश्वास है खुदा से बड़े बड़े आश्चर्य काम करेगा, आप कदम बढ़ाएंगे और रास्ता खुलेगा, आप पगला भरेंगे और दरवाजा ओपन होते जाएगा। आमेन। जब विश्वास के साथ पतरस ने कहा प्रभु मैं भी पानी पे चलूंगा, तब खुदा ने कहा नहीं चल सकता, मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, तू मनुष्य है, तू मिट्टी है, ऐसा बोला नहीं। कहा यदि तेरा विश्वास है तो आ। आमेन। हालेलुया। और पतरस विश्वास के साथ कहता है पानी के ऊपर वो पैर रखा और वो चलने लगा। विश्वास अनहोनी बातों को होनी कर देगा। एक बजे निकल जल्दी से जाएंगे मरकुश रचित सुसमाचार, मरकुश रचित सुसमाचार हम निकालेंगे 9 अध्याय उसका 23 वचन, हर एक लोग निकालते पड़े मरकुश रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन। हाँ, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। दूसरे को हिला कर कहो आपके विश्वास के द्वारा।
सब कुछ हो सकता है। आमेन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। असंभव संभव बदल जाएगा, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदल जाएगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ शक्य है। आमेन। हालेलुया। इसके जकरिया कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे खुदा की आत्मा के द्वारा होगा। आमेन। हालेलुया। मेरे लिए भले असंभव है, पर जिस खुदा पे मैं विश्वास करता हूँ उसके लिए संभव है, और उसकी आत्मा के द्वारा ये होगा। इसलिए क्या कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो विश्वास करने वाला कौन है? कौन है बोलो ना, विश्वास करने वाला कौन है? अब्राहम ने विश्वास किया, मिराकल हुआ। इसहाक ने विश्वास किया, मिराकल हुआ। एलिया ने विश्वास किया, एलिशा ने विश्वास किया, सारा ने विश्वास किया। उनके जीवन में खुदा ने बड़े बड़े कामों को किया। आप विश्वास करेंगे, कहता है आपके लिए सब कुछ संभव होगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो पहला कुरिन्थी और उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन। पहला कुरिन्थी और उसका 16 अध्याय 13 वचन। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। यही चीज हमारे साथ नहीं होता। हम हर चीज करते विश्वास में स्थिर नहीं है। हमारा विश्वास टकमगाने लगता है, थोमा की तरह। जब तक मैं उंगली डाल के देखूंगा नहीं, विश्वास नहीं करूंगा। बाद 11 लोगों ने विश्वास कर लिया, यीशु जिंदा हो गया, और एक अकेला थोमा का बना, जब तक मैं तो नहीं करूंगा। जब तक मैं उसके हथेली में उंगली नहीं डालूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए किसके वर्ड है? थोमा के वर्ड है। हालेलुया। पर 11 लोगों ने विश्वास कर लिया, यीशु पैदा जिंदा हो गया है, हमने उसको यीशु को देखा है। पर एक अकेला थोमा कहता है, मैं उंगली डालूंगा फिर विश्वास करूंगा। हालेलुया। अस्थिरता। पर यीशु मसीह थोमा के पास आकर क्या कहा? धन्य है वह जिसने बिना देखे विश्वास किया। हे थोमा, आ और उंगली डाल, और डाल करके विश्वास कर ले कि तू अविश्वासी ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचनों पर हम बिलीव करें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास करें, उसके वादों पर विश्वास करें। उसके वादे अटल है, उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ है। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ हो जाए, प्रभु करेगा, मुझको खातरी है, यहोवा मेरे लिए उपाय करेगा। मैं फतह पाऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं जाऊंगा, मेरे बल से नहीं, मेरी ताकत से, मेरी समय, मेरी बुद्धि से नहीं, पर उसकी आत्मा के द्वारा होगा। आमेन। हालेलुया। खुदा करेगा। आमेन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। आप किससे उत्पन्न हुए हो? आप किससे उत्पन्न हुए? अरे डाउट है, बोलो, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या दिखता है खुदा का कलाम करता है कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। उसी का उसका चार चार को पढ़ो। हे बालको, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। हाँ, हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर का हूँ। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का हूँ। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। मानो देखो, मेरा बेटा एलाइजा अभी हमारे द्वारा उत्पन्न हुआ। ये किसका है? मेरा बेटा है। हेलो, ये किससे उत्पन्न हुआ है? हमसे उत्पन्न हुआ, तो हमारा बेटा है। राइट। हालेलुया। अब जो मैं करता हूँ मेरा बेटा वही करेगा ना, ठीक है? हाया ना। यह और बात है कि कोई अलग लाइफ पे लेके जाते, पर चीजें जो वंशाकत जो रहती है, जो बाप करता है वो बेटा करता है।
पर उससे भी अच्छा करता है, राइट? हालेलुया। क्योंकि ये मेरे घर का है, क्योंकि मेरा अंश है, क्योंकि मेरा भाग है, क्योंकि मेरा हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो मैं करता हूँ वही करेगा। मैं प्रचार करता हूँ ये भी प्रचार करेगा, मैं पास्टर तो भी पास्टर बनेगा, और कतक मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं वही करता हूँ। सेम वे बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के हो और परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हो। तो खुदा ने जो जो अद्भुत काम क्यों इस मसीह ने कहा जो मैं ये करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। Why? क्यों? क्योंकि तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तो मैं जो करता हूँ वही तो तू ही करेगा ना, तू वही करेगा ना। हेलो, हालेलुया। क्या लिखता है कि जो मैं ये काम करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं उसके उत्पन्न हुआ हूँ, मैं उसमें से निकाला गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, कहता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमेन, हालेलुया। विश्वास का करता, हाँ आगे आगे पढ़ो पांच का। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजयी, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। आप अपने आप के ऊपर जय पाने की बात छोड़ो, अपने घर पे जय पाने की बात छोड़ो। खुदा का कलाम कहता है संसार पर जय पाने वाला कोई और नहीं है, वो तेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। यदि विश्वास बढ़ जाए, इस मसीह ने कहा राई के दाने के बराबर भी यदि विश्वास है तुझ में तो पहाड़ से के उखड़ कर समुद्र में जाते हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब विश्वास बन, जब विश्वास मेरे बीते दिनों में बच्चे को भी दिखाया पास्टर क्रिश का कुछ क्लिपिंग था, मैं शेयर किया, मैंने टीम को भी शेयर किया। कितने सारे स्ट्रेचर पे लोग लेकर के आए थे। हालेलुया, कई सारे स्ट्रेचर पे लोग बीमार लेटे हुए थे, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते थे। एक नहीं कई सारे स्ट्रेचर लोग स्ट्रेचर के ऊपर लेटे हुए थे, बस आकर के उसने हाथ रखा और कहा इसी के नाम में चल, हाथ रखा इसी के नाम में चल। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो स्ट्रेचर से खड़ा होकर के चलने नहीं लगा। डॉक्टर इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे, दवाई पे दवाई दे, गोलियां पे गोलियां दे, छह महीना ऐसी रहेगा, तीन महीना ऐसी रहेगा, डेढ़ महीना ऐसी रहेगा, पर जिसका विश्वास है, जिसका फेथ है, वो कहता है यीशु के नाम से उठ और चल। आमेन, हालेलुया। मेरा और आपके विश्वास का कर्ता यीशु है, जो आपके फेथ को इंक्रीज करना चाहता, वो आपके फेथ को बढ़ाना चाहता कि ऐसे अद्भुत काम आप अपने जीवन में अपने परिवार को देख ले। आमेन, हर कदम आपका फेथ का हो, हर कदम आपका विश्वास का हो कि प्रभु आपकी लाइफ में वो अद्भुत और आश्चर्य का हो करे। आमेन, हालेलुया। और होगा, आमेन। जब विश्वास के साथ कदम बढ़ाएंगे तो होगा। आमेन, हालेलुया। जब पतरस विश्वास के साथ कदम बढ़ाया वो पानी पे चला। आमेन, हालेलुया। लंगड़े को विश्वास के साथ कहा यीशु के नाम से कहता हूँ और वो उठ गया। एलिशा ने उस विधवा से उस उर्वी स्त्री से कह दिया कि अमुक टाइम पर तेरे द्वारा संतान उत्पन्न हो गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एवरी डे हर दिन प्रार्थना करके खुदा से कहो लॉर्ड मेरे विश्वास को बढ़ा। विश्वास का कर्ता यीशु है, वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा, और जब विश्वास बढ़ेगा आश्चर्य काम होंगे, मिराकल होंगे, अद्भुत कामों को आप देखेंगे, बड़े कामों को आप अंजाम देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मालूम जब फेट बड़ा होना तो बड़े हिया हुआ था, अरे हो जाएगा, और जब फेट पर ढीला हो जाए क्यों नहीं थी थसे? क्या नहीं थसे? पर जिसका विश्वास बड़ा थसे, यहाँ घर से मन खातरी से रुजोइस हम देगी, ये है फिर आपको या और दे। आमेन, हालेलुया,
हालेलुया। और जब आप ऐसे फेंक रखते नव उदय का जो पाप है वो आपको देख कर आनंद से भर वचन पे लिखा है हिब्रू 6:11-6 में कहता है बिना विश्वास के आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आमेन। तो उसको यदि आपको प्रसन्न करना हो तो आपको विश्वास चाहिए, फिर चाहिए। यदि आपका फेथ है तो आप संसार पे जय पाएंगे। खुदा का कलाम है जो संसार पे जय पाता है वो है उसका विश्वास। आमेन। तुम छोटी छोटी बीमारियों पर जय नहीं पा रहे, छोटी परिस्थितियों पर जय नहीं पा रहे, क्योंकि हम विश्वास में भी कमजोर नम्र। हालेलुया। पर खुदा कहता है तू संसार के ऊपर जय पाने वाला। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम निकालेंगे यूहन्ना 11:40 में चलो, गलाती 5:6 में चलो, जल्दी जल्दी अब जाएंगे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी, क्या लिखता है, क्या लिखता है, करने वाला कौन था, करने वाला कौन था, लाजर को जिंदा करने वाला कौन था, यीशु। और यीशु मसीह ने किसी का मरियम और दिली से क्या कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमेन। एक दूसरे को देख कर कहो यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के आश्चर्य कामों को आप देखेंगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए विश्वास में अपने आप को मजबूत करो, विश्वास में स्थिर हो जाओ। आमेन। क्या लिखता है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर हो जाओ। क्या लिखता है खुदा का कलाम, जागते रहो और विश्वास में स्थिर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमेन। हालेलुया। और बाइबल की बताती है अनहोनी की बातें, हुआ सड़ा हुआ लाजरस जो सड़ के बदबू आ रहा था वो बाहर आ गया, जिंदा हो गया, फिर सब कुछ करवाता है। आमेन। हालेलुया। ओके, जल्दी से निकालेंगे इफिसियों और उसका पहला दस का 13 वचन, गलाती 5:6 वचन, गलाती 5:6 वचन, Ephesians 1:13 और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, खुदा का कलाम जो सत्य का वचन है, जो उद्धार का कलाम है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी है। मालूम, जब कोई भी डॉक्यूमेंट सब बनाते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट तब तक वो वैलिड नहीं है जब तक उसमें क्या स्टैंप लग करके साइन ना हो जाए, दो चीजें वो तब तक वैलिड नहीं है जब तक स्टैंप न लगे और उसमें साइन ना हो। पर कहता है कि तुमने विश्वास किया है इस कारण से पवित्र आत्मा की मोहर तुम पे लगा दिए कि जो प्रतिज्ञा की गई वो सब तुम्हारे लिए है, जो वादा किया गया तुम्हारे लिए। मैंने कहता हर प्रतिज्ञा के ऊपर, हर एक वादे के ऊपर मोहर लगाकर, पवित्र आत्मा का मोहर लगाकर तुझको दिया। प्रतिज्ञा तेरा, वादे तेरे, प्रॉमिस सब जो किया है वो तेरे लिए है। आमेन। जब मेरे लिए है तो वो मुझे मिलेगा। आमेन। हर प्रतिज्ञा, हर वादा, हमें क्या करना है, बिलीव करना, विश्वास करना। मैं बढ़ूंगा, हम गीत गाते ना, हम भूले पलेंगे इस देश में आशीषों के अधिकारी होंगे, हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से, जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहोबा। हालेलुया। हम चौड़े में जाएंगे, यदि आपका विश्वास है हम बढ़ेंगे, हम ऊंचाइयों को पाएंगे, हम बुलंदियों को पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस व्यक्ति का विश्वास था मेरा खुदा हाथ लंबाएगा और वो
हुआ वो देखा। आमेन, हालेलुया। गलाती 5 और उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। मसीह यीशु में न खतना, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास, केवल विश्वास। हालेलुया, क्या लिखा? केवल विश्वास। खतना रहित काम का नहीं है और खतना वाला काम का नहीं है, पर केवल विश्वास। एक दूसरे को केवल विश्वास, केवल विश्वास, विश्वास के द्वारा आपने मसीह को पाया है, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, विश्वास के द्वारा अनंत काल का जीवन पाया है, विश्वास के द्वारा वो आपको लेने आएगा, विश्वास के द्वारा आप वहां जाएंगे। हालेलुया, केवल विश्वास मसीह के ऊपर। आमेन। क्यों? मेरे लिए पैदा हुआ, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए डाला गया, मेरे लिए जी उठा, फिर से मुझे लेने आ गया। केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। आमेन, हालेलुया। जो कहता है, जो विश्वास है प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालता है? प्रेम के। अब्राहम ने खुदा को ऐसा प्यार किया, कैसा प्यार किया कि अपना एक लौता दे दिया। आपने इतना प्यार किया, इसलिए कहते ना अब्राहम का फेल, अब्राहम का विश्वास। थोमा का विश्वास मत रखना, अब्राहम का विश्वास रखना, जो निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के रूप पर विश्वास किया और प्रतिज्ञा की गई वाचा को उसने प्राप्त किया। प्रतिज्ञा क्या किया था? तेरे द्वारा संतान उत्पन्न होगा। हुआ? बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई सारा। कब करेगा? मर जाने के बाद करेगा? है? कुछ नहीं बोला, प्रभु को प्यार करता रहा, प्यार करता रहा, विश्वास के साथ प्रभु को प्यार करता रहा। प्यार विश्वास के ऊपर प्रभाव डाला और बुढ़ापे में भी सहारा पाया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा को चाहो, खुदा को प्यार करो, प्रभु को मेरे को मोहब्बत करो, इससे आपका विश्वास आपके लाइफ पर प्रभाव। अगर जितना ज्यादा प्यार बढ़ेगा, जितना ज्यादा मसी बढ़ेगा, आपका विश्वास इफेक्टिव होता जाएगा, आपका विश्वास कार्यरत होगा, आपके विश्वास के द्वारा बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कहता प्रेम जो है विश्वास के ऊपर प्रभाव डालना। आमेन। दो दिन वचन पढ़ेंगे, बंद करूंगा। मेरे साथ करें जल्दी से, यूहन्ना 20:3, यूहन्ना 20:3। तब पत्रस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पत्रस से तीन का छत्तीस। क्या लिखता है? दिक्रा पर, पुत्र पर जो विश्वास करता है, पुत्र पर जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आमेन, हालेलुया। हिब्रू 2:9-10 को पढ़ो। हिब्रू 2:9-10। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसको भेजा है विश्वास करो। क्या लिखता है? परमेश्वर का कार्य यह है
कि जिसने उसको भेजा है उस यीशु मसीह पर क्या करो, विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आमेन, हालेलुया। क्या लिखता है, खुदा का खराब करता है कि पुत्र के ऊपर विश्वास करे जिसने उसको भेजा है। और जब हम पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उत्तम बातों का प्रबंध करता है। आमेन। बाइबल बताता है जब इजराइली लोग मिस्र देश में से निकले, कुछ नहीं करने निकले थे, अरे हम कहीं भी जाते तो नाश्ता उश्ता भर लेते हम अपने थैलियों में, लंबी यात्रा ट्रेन की यात्रा है, नाश्ता उश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। परंतु इजरायली लोग जब मिस्र देश में से निकले तो शक्कर का बोरा ले लिए, गेहूं का बोरा ले लिए, चावल का बोरा ले लिए, तेल का डब्बा ले लिए, है, क्योंकि उनका मालूम था 40 साल जंगल में जाने वाला है, है ना। ऐसा हुआ, परमेश्वर ने क्या बोला था, कुछ मत लेना, पर क्या लेने बोला था, इजरायलियों से, मिस्रियों से सोना चांदी और रुपया ले लेना बोला। हालेलुया। और कुछ ऐसा बोला क्या, गेहूँ चावल शक्कर ले लेना बोला? नहीं। उनको तो मालूम नहीं था इतने समय जंगल में आप रहेंगे क्या खाएंगे। हेलो। पर वो विश्वास के साथ में, जो खुदा हमारे संग है वो हमारी सुधि लेगा। आमेन, हालेलुया। और जंगल में कहता परमेश्वर हर दिन उनको स्वर्ग से मन्ना बरसा कर उनके लिए भोजन देते। मैं सब ठीक करता हूँ, सोचता हूँ कि हम क्या सोचते हैं, मालूम मेरी पत्नी बार बार पूछती है, आज क्या बनाएंगे, कल क्या बनाएंगे, हमारी ये हो रहा था कल क्या बनाएंगे। पर इजरायली लोग मालूम ऐसा बैठे रहते, कहाँ से खाना खाएंगे, ऊपर से आएगा, है ना, पानी कहाँ से पिएंगे, नीचे चट्टान से आएगा। एक दिन भी ऐसा नहीं था, क्यों हमको अविश्वास में, कल कैसे खाएंगे, आज तो आपने खा लिया, कल कैसे खाएंगे, कल कहाँ से पिएंगे, उनको पूरा भेद था। मान लो ऐसा भी नहीं था कोई मन्ना का कोई पेड़ है कि तोड़ लिया और बाकी खा लिया, मन्ना का कोई खेत है कि एक बार से जाके बीन करके खा के बना ले, कुछ नहीं दिखता है। कल की सुबह कहां से आएगा, क्यों एक ही चीज है, कल की सुबह ऊपर से आएगा। 40 साल उसी विश्वास के साथ वो बढ़ते रहे और उनका फेर हर दिन मन्ना आएगा और मन्ना आता था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन उनका फेर था, खुदा हमारे लिए मन्ना लाएगा तो लाएगा। कहाँ मटन का, समुद्र से आएगा कि जंगल में से आएगा कि गुफा से आएगा, वहां आएगा, बस खाली वहीं इधर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उस फेद को देख करके वह कदम बड़ा कर दिया, और जब उनकी आंखें खुलती थी तो बंदा उनके सामने आता। हालेलुया। और रात कैसे सोते थे, कल की सुबह मन्ना बिनने जाना है, रात को कैसे होते विश्वास के साथ, कल की सुबह क्या खाएंगे, मन्ना खाएंगे, कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। हेलो, उनका फेथ, उनका विश्वास। आमेन, हालेलुया। देखिए वचन को दिखा रहा हूँ, लास्ट वचन पढ़ के बंद कर दूंगा। हम पढ़ेंगे गिस्सास, गिस्सास 22 पद, गिस्सास 22 अध्याय, सब मिलकर दिखा दूंगा, मैं बंद कर, टाइम हो गया। गिस्सास 22 अध्याय और उसका 4-5 वचन। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे। क्या लिखता है, हमारे पुरखा
तुझी पे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए और कभी लज्जित नहीं हुए। आमेन। हालेलुया। दूसरे को देख करके बोलो मैं खुदा पे भरोसा रखता हूँ मैं यहोवा पे भरोसा रखता हूँ। बोलो मैं अपनी नौकरी के लिए यहोवा पे भरोसा रखता हूँ मैं अपने काम के लिए यहोवा पे भरोसा रखता हूँ मेरे अपने बच्चों के लिए प्रभु पे भरोसा रखता हूँ मेरे परिवार के लिए प्रभु पे भरोसा रखता हूँ। मेरा विश्वास खुदा पर है मेरी नौकरी आएगी मेरा विश्वास से मेरे बच्चे बढ़ेंगे मेरा विश्वास से मेरा विजय बढ़ेगा मेरा विश्वास है खुदा मुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आमेन। वो भरोसा रखते थे और यहोवा उन्हें छुड़ा कर ऊंचे ऊंचाइयों पर ले जाता था। इसलिए मैं भरोसा रखता हूँ। बोलो मैं भरोसा रखता हूँ मुझे खुदा पर विश्वास है। अरे ऊंचाई के साथ बोलो मुझे प्रभु पर विश्वास है। खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। 138:8 को पढ़ो। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाए मेरे प्रियो। यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप फेत रखो उसके ऊपर। बाइबल कहता है विश्वास की कर्ता यीशु मसीह की ओर आप ताकते रहो। विश्वास की कर्ता यीशु मसीह की ओर आप निहारते रहो। जैसे इजरायली लोग मिस्र देश से जब जंगल में निकले वो यहोवा की ओर वो ताकते रहे यहोवा और निहारते रहे। उनकी नजर स्वर्ग की ओर थी। कल की सुबह मन्ना आएगी कल की सुबह पानी का प्रबंध होगा कल की सुबह यहोवा का बादल हमें घेर लेगा। रात के समय बादल आपका खंभा आएगा अब मुझे घेर लेगा। ओ मेरे प्रियो जो विश्वास करते थे खुदा उनके बीच में ऐसा ही करता था। बाइबल कहता यहोवा तू विश्वास कर तू विश्वास कर यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो यहोवा की ओर देखते रहो यीशु की ओर ताकते रहो यीशु की ओर ताकते रहो यीशु की ओर विश्वास से देखो। जैसा पत्रस विश्वास के साथ देखा और पाली पे चले लगा ओ याईर याईर विश्वास की ओर विश्वास से कदम बढ़ाया और यीशु की ओर देखते हुए आया और उसकी बेटी जिंदा हो गई। वो 12 साल से लहू बहने वाली वो स्त्री विश्वास के साथ यीशु को देखते हुए अपने कदमों को बढ़ाई। वो देखते आ रही थी कि मैं यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। जब विश्वास के साथ वो उसकी ओर ताकते हुए आई जब उसके वस्त्र को छुई वो चंगी हो गई। बाइबल आज की सुबह खुदा का कलाम आपसे कहता है विश्वास के कर्ता उस यीशु की ओर नजर लगा। यदि आपका फेथ है यीशु पर यदि आपका भरोसा यीशु पर है यदि आपका विश्वास यीशु पर है तो उसकी ओर नजर लगाओ उसकी ओर देखो। सहायता आपको मिलेगी कामयाबी आपको मिलेगी आप फतह पाएंगे आप जयवंत होंगे आप ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। खुदा आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ओ यीशु मसीह लोगों से पूछा क्या तेरा विश्वास है कि कब होगा। उसने कहा हाँ प्रभु जा यहोवा तेरे लिए वैसा करे विश्वास तेरे विश्वास के द्वारा ऐसा हो। यहां से कदम दबा नीचे उतारो विश्वास के साथ उतारना आज विश्वास के साथ घर की ओर जाना ये वीक मिराकल होगा ये वीक चमत्कार का पल होगा ये वीक में आश्चर्य कामों को देखूंगा। मेरा विश्वास है मेरे रूह के काम कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा विश्वास है खुदा ये सप्ताह कुछ अद्भुत करेगा। मेरा विश्वास है ये सप्ताह कुछ आश्चर्य काम होंगे। यदि आपका फेथ है खुदा आश्चर्य काम करेगा।
विश्वास करो अपने बच्चों के लिए, विश्वास करो अपने पति के लिए, विश्वास करो अपनी पत्नी के लिए, विश्वास करो अपने परिवार के लिए। खुदा आपके लिए उपाय करेगा, यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ओ यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए, बोलो सब, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बोलो बोलो बोलो, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा उपाय करेगा, यहोवा उपाय करेगा। अब्राहम ने इसहाक कहा पहाड़ी पर यहोवा उपाय करेगा, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है पहाड़ी पर यहोवा उपाय करेगा, मेरा विश्वास है खुदा मुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा, मेरा विश्वास है मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मेरा विश्वास है मेरे बच्चे आइटली यूज होंगे, मेरा विश्वास है मेरा परिवार ओ आशीषों से भरा हो जाएगा। ओ हालेलुया, अद्भुत 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 काम हो रहा है। बिली 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 आप निराश नहीं होंगे। जो लोग खुदा के कलाम को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आपसे इंकरेज करता हूँ और कहता हूँ विश्वास करें। खुदा आपके बेटियों में मिराकल करेगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आपका कर्ता, आपका विश्वास का रचने वाला, आपके विश्वास को बनाने वाला, आपके विश्वास को क्रिएट करने वाला वो यीशु आप में रहता है, वो यीशु आप में रहता है, वो यीशु आप में रहता है। और आप विश्वास के द्वारा बड़े कामों को देखेंगे। बिलीव करें, बिलीव करें। आपके हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रहे हैं, एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, एक बड़ा बदलाव आ रही है। सफलता आपके कदम चूमने पर है, आपके कदम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यहोवा आपको ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। विश्वास का कर्ता आप में है, विश्वास का कर्ता आप में है, विश्वास का कर्ता आप में है। वो आपके विश्वास के लेवल को बढ़ा रहा है। विश्वास का कर्ता आप में है। आप जब विश्वास करेंगे तो खुदा की सामर्थ्य